हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रैप जो कि बहुत वायरल हो रही है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक रोटी ले लीजिएगा और उसे बीच में इस तरीके से काट दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे मेयोनीज और एक साइड पे हम मेयोनीज लगा देंगे अच्छे से। तो ये लगने के बाद हम लगाएंगे अब पिज्जा और पास्ता सॉस एक साइड पे। और इसे अब हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये मैंने अपने घर में कल शाही पनीर बनाया था, तो हम एक तरफ डाल देंगे ये शाही पनीर का मसाला और अपने पनीर्स। इससे ये एकदम तंदूरी स्टाइल के रैप्स बनते हैं, जो कि आपने देखा तो होगा कि कितने वायरल हो रहे हैं रैप्स आजकल, पर इस तरीके का रैप कहीं आपने देखा ही नहीं होगा कि वायरल हुआ हो, जो मैंने अपना तड़का लगाया है इसमें। तो एक साइड में हम ये ग्रेटेड चीज डाल देंगे। चीज से एकदम अमेजिंग टेस्ट आ जाता है, तो ये जरूर डालिएगा। और ये हम एक जगह मेयोनीज वाले साइड पे थोड़ा प्याज डाल देंगे और ये ऑलिव्स डाल देंगे, ना हो तो आप मत डालिएगा। और अलग से हम पिज्जा सॉस के ऊपर टमाटो डाल देंगे। और चलिए अब हम इसको फोल्ड करते हैं रैप की तरह, बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए ये एकदम कैसे कितना भरा भरा और स्टफ्ड, कितना अच्छे से रैप बन चुका है हमारा। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो ये थोड़ा कढ़ाई में या कुछ में किसी में भी थोड़ा सा ऑयल लेके उसे आप सेक लीजिएगा एक तरफ से, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूंजिएगा, फ्राई कीजिएगा। और सेम दूसरी तरीके से दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए हम भूंजेंगे। और बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहिएगा। तो देखिए हमने इसे अब टर्न कर दिया है 2 मिनट के बाद, और इसे हमने सर्विंग प्लेटर पे निकाल दिया है। तो चलिए अब दूसरे तरीके का हम रैप बनाते हैं। तो सेम प्रोसीजर, एक रोटी लीजिए, बीच में से उसे कट लगा दीजिएगा। कट लगाने के बाद देखिए एक साइड पे हमें वापस वही करना है, मेयोनीज लगा देंगे एक साइड पे हम, और ये हम दूसरी साइड पे लगा देंगे टोमेटो केचप। इसमें हमने पिज्जा पास्ता सॉस नहीं डाला। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अब हम। तो अब देखिए एक साइड पे हम ये आलू की टिक्की रखेंगे, मोटी सी है एकदम, माला माल भर के हम बनाएंगे। और एक साइड पे हमने यू पनीर रख दिया है, शाही पनीर बना हुआ। शाही पनीर से एक अमेजिंग सा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और तो हमने ये मेयोनीज वाले पे थोड़े अनियन डाल दिए हैं, केचप वाले पे टोमेटो डाल दिए हैं, और इसे थोड़ा सा ऑलिव्स के साथ हम डेकोरेट करेंगे। और इसे अब हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। एकदम माला माल ज्यादा मोटा बनाया है ये तो मैंने, आलू की टिक्की, वाओ इट वाज सो यम। तो ये आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी और डिलिशियस लगता है। तो इसे हम सेक लेंगे ऐसे ही 2 मिनट एक तरफ, और दूसरी वाली साइड को भी 2 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। तो देखिए अगर बाहर निकले तो अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके अंदर दबा दीजिएगा, पुश कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप दूसरी तरफ से भी भुंज गया है, और हम इसे प्लेटर में निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज युवा कुक्स।